वेलकम बैक ऑन माई चैनल कॉमर्स विथ मी। ये सेवन्थ वीडियो है पीरियोडिक सिंपल एवरेज की। इस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है क्योंकि मैं लास्ट में आपको न्यूमेरिकल बताऊंगी जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए आपको प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखनी है। तो इन पीरियोडिक सिंपल एवरेज इस मेथड में क्या होता है, द प्राइस पेड फॉर डिफरेंट लोड, जो भी प्राइस पे किया जाता है डिफरेंट लोड्स को उन्हें क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है और उसे किससे डिवाइड कर दिया जाता है, नंबर ऑफ प्राइजेस से। नंबर ऑफ प्राइजेस से क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। अभी मैं इस एग्जांपल से बताऊंगी कि कैसे डिवाइड किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला देख लो आप, पीरियोडिक सिंपल एवरेज का फॉर्मूला टोटल ऑफ परचेज प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड, परचेज प्राइस का टोटल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्राइस, जितना भी नंबर ऑफ प्राइजेज है उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये इसी का ही फॉर्मूला है, ये एक डिस्क्रिप्शन में है और ये कि फॉर्मूले के फॉर्म में है। तो अब एग्जांपल लेते हैं अपन, एक आपको क्लियर हो जाएगा। 1 जनवरी 2019 रिसिप्ट गिवन है 2000 रुपीज एट द रेट ऑफ 2, एक थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और सिक्स्थ है, ठीक है। ये क्या है, अपने चार रिसिप्ट है और एक क्या है, इशू है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले अपन इसकी रेट निकालेंगे इस फॉर्मूले से। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ परचेज प्राइस, नंबर ऑफ परचेज प्राइस, परचेज प्राइस क्या है, जिस प्राइस पे अपन ने परचेज किया है उसका टोटल। अब देखो ये रिसिप्ट है, रिसिप्ट 2000 रुपीज एट द रेट ऑफ 2, रेट क्या है इसकी 2, तो एक रिसिप्ट की ये वाला अमाउंट 2, एक ये थर्ड वाला रिसिप्ट का अमाउंट रेट वाला, इन रेट है जो ये रिसिप्ट के रेट है, इन चारों को ऐड कर लेंगे, वो ऊपर लिख देंगे, मतलब नंबर ऑफ परचेज प्राइस टोटल बोला है ना, तो 2 + 2 + 4 + 2 इन चारों को ऐड किया। अब क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ प्राइजेस, कितने नंबर ऑफ प्राइजेस है, 1 2 3 4, 4 है तो 4 लिख दिया यहाँ, इन चारों का टोटल 10 आएगा और ये 4 है तो 4 लिख दिया मैंने, 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 पर केजी। अब ये जो रेट आई है वो रेट किस में आएगी, ये वाली रेट बैलेंस कॉलम में शो होगी और जो भी अपन इशू करेंगे वो उसमें रेट कौन सी लगेगी, 2.5 वाली रेट लगेगी। अपन ने क्या किया, यहाँ हमने यहाँ रेट निकाली जिससे अपन जो भी मटेरियल इशू करेंगे वो रेट ये वाली लगेगी, ठीक है। मैं आपको अब क्वेश्चन बता देती हूँ कि क्वेश्चन में किस तरह से वो रेट अपन निकालेंगे और किस तरह से क्वेश्चन करेंगे जिससे आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे शो होने वाला है। डेट ऑफ रिसिप्ट के ये है कि जैन फर्स्ट को इतना हुआ, 10 को, फेब को और 21 फेब और मई 2019, ठीक है। तो ये रिसिप्ट है, यहाँ इसकी क्वांटिटी गिवन है, इसकी रेट गिवन है। इसी तरह इस साइड क्या है, इशू है, इशू की डेट दे दी अपन को और क्वांटिटी दे दी, इस पर क्या है, रेट नहीं देते। अब मैंने इससे अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि किस तरह से अपन रेट निकालेंगे, तो उस रेट का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, टोटल ऑफ परचेज प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ नंबर ऑफ प्राइस, ये वाला फॉर्मूला बताया था मैंने, ठीक है आपको। अब ये फॉर्मूला अपन लगाएंगे, अब मैंने बोला था परचेज प्राइस टोटल, अपन जिस रेट पे अपन परचेज करते हैं उन सबको ऐड कर लेंगे। अब रिसिप्ट के कॉलम में देखेंगे हमेशा, रिसिप्ट कौन कौन सी, ये इनकी रेट क्या है, ये वाली, तो एक तो 1 है +1.05 +1.15 +1.25 +1.10, ये क्या हो गई अपनी रेट हो गई, 5 रेट है रिसिप्ट की, ये पांचों रेट अपन ने यहाँ लिख दी, ठीक है, यहाँ लिख दिया अपन ने। अब डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ नंबर प्राइस, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5, 5 है ये, तो अपन डिवाइड किससे कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं अपन, ये देखो अभी मैं बता देती हूँ, 1
1 plus 1.05 plus 1.15 plus 1.25 plus 1.10 क्या आया 5.55। अब ये कहाँ लिख देंगे, यहाँ 5.55 डिवाइडेड बाय 5। अब क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से, तो क्या आया, क्या आया 1.11। ये क्या आ गई अपनी रेट आ गई, अब तो 1.11 ये आ गई अपनी रेट। अब यही रेट कहाँ लगाएंगे, बैलेंस के कॉलम में, और यही रेट से क्या करेंगे अपन, इशू करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन था अपना, ठीक है, फर्स्ट जनवरी। अभी कहाँ लिखेंगे, रिसिप्ट के कॉलम में 1000 रुपीज एट द रेट ऑफ 1, यहाँ लिख दिया 1000 रुपीज एट द रेट ऑफ 1, इन दोनों को इंटू करेंगे तो 1000 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। फिर बैलेंस के कॉलम में वापस जाएंगे, इधर 1000 रुपीज है तो ये यहाँ लिख दिया। अब मैंने बोला था, अब मैंने आपको बताया था कि जो अपन ने ये जो रेट निकाली है 1.11, ठीक है, ये वाली 1.11 ये कहाँ किस पे शो करेंगे, बैलेंस के कॉलम में। तो जो बैलेंस के कॉलम में ये जो अमाउंट आया है सारा 1.11 से होगा, ये आप बिना देखे आप ये लिख सकते हो, ठीक है, आपको समझ में आया, ये आ गया बैलेंस के कॉलम में आ गया। अब दूसरा ये लिख दिया, ठीक है, आप यहाँ ध्यान देना, ये रेट आई अपनी 1.11, तो इसको इससे इंटू करके नहीं लिखेंगे, ये रेट ये वाली ही आएगी, ठीक है। 1000 रुपीज़ है, 1000 लिख दिया, यहाँ 1 रेट है, ठीक है, यहाँ रेट 1 वाली नहीं लगेगी, ये रेट वो लगेगी जो अपन ने अभी निकाली है 1.11, ठीक है, वो वाली लग गई, और ये 1000 रुपीज़ कहाँ से आया, ये वाला अमाउंट आ गया, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं अपन, 1 जनवरी के बाद 10 जनवरी आती है, 260 हो गया, 260 एट द रेट ऑफ 1.05, 260 एट द रेट ऑफ 1.05, इसको दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 273। इशू ये कॉलम में कुछ नहीं आएगा। अब 1000 रुपीज़ को ऐड करेंगे 1000 में ऐड कर देंगे 260, तो क्या आ जाएगा, 1260 आ जाएगा, और 1000 रुपीज़ में ऐड कर देंगे 273, तो क्या आ जाएगा, 1273 आ जाएगा, और ये जो रेट है जो अपन ने निकाली थी, ठीक है। अब आगे 10 के बाद क्या आता है, 20 जनवरी, ये क्या किया है, यहाँ इशू किया है 700 रुपीज़। अब यहाँ देखो, यहाँ जो रेट लगेगी वो कौन सी लगेगी, ये 1.11 वाली रेट लगेगी। अब मैं लगवा देती हूँ, ये आ गया 700, रेट कौन सी लगी, ये वाली 1.11, यहाँ लिख दिया 1.11। अब देखो यहाँ 1.11 इंटू 700 क्या आया, 777, ये अपन ने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 1260 में से 700 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 560 आ जाएगा, ये देखो, ये इसमें से ये लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 560 आ जाएगा, 1273 में से लेस कर देंगे 777, तो 496 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब ये हो गया 20 जून, 20 जून के बाद क्या आता है, एक 4 फेब, तो 400 एट द रेट ऑफ 1.15, 400 एट द रेट ऑफ 1.15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 460 आ जाएगा, इशू के कॉलम में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब 560 बैलेंस था, उसमें से 400 का मटेरियल और आ गया, तो इस 560 में ऐड कर देंगे 400, तो 960 हो जाएगा, 960, ठीक है। इसी तरह 496 में ऐड कर देंगे 460, तो क्या आ जाएगा, 956 आ जाएगा, और रेट ये वही है, मैंने बोला था ना एक बार रेट निकाल लो, वो रेट अपन रेट के कॉलम में लिख दो, ये वाली रेट अपन रेट के कॉलम में लिख दो, मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। अब 4 फेब हो गया, 4 फेब के बाद क्या आएगा, 21 फेब, ये वापस रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट के कॉलम में लिख देंगे 300 × 1.25, ये रहा 300 × 1.25, तो 375, फिर वापस 960 में ऐड कर देंगे क्या, 300, तो क्या ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1260 आ जाएगा, और ये 956 है, ये वाला 956 को ऐड कर देंगे 375 से, तो क्या आ जाएगा, 1313
सॉरी 1331 आ जाएगा। ठीक है, अब 21st फेब के बाद कौन सा है ये अपना, 21st फेब के बाद आएगा अपना 620। अब वापस 620, अब बताओ रेट कौन सी लगेगी। यहाँ रेट अपन ने जो ये वाली रेट निकाली ये वाली रेट लगेगी। अभी देखना 620 का इशू करना है तो ये लिख दिया अपन ने, यहाँ 620 लिख दिया, रेट लगा दी 1.11। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 688.20 आ जाएगा। अब 1260 में से ये देखो, 1260 में से 620 अपन ने इशू कर दिया तो क्या आया 640, तो ये क्या कर दिया अपन ने 640 यहाँ लिख दिया। और ये 1331 में से फिर लेस कर देंगे 688.20 तो क्या जाएगा अपना 642.80 आ जाएगा। अब 16 मार्च के बाद आएगा 12 अप्रैल, यहाँ फिर से इशू है 240 का। अब बताओ रेट कौन सी लगेगी, हाँ 1.11 वाली। तो 6 ये आ गया, 240 लिख दिया, 1.11 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखो 240 × 1.11 2266.4, ये देखो 266.4 ये मैंने यहाँ लिख दी। अब इशू किया है तो क्या होगा, इसमें से लेस होगा, 640 में से लेस कर देंगे 240, 400 आ जाएगा आपका। ये 642.80 में से लेस कर देंगे 266.40 तो क्या आ जाएगा 376.40 आ जाएगा। ठीक है, अब 12 अप्रैल के बाद क्या आएगा आपका, 12 अप्रैल के बाद आएगा अपना 10 मई ये वाला रिसिप्ट। तो 500 रिसिप्ट के कॉलम में लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1.10 से। ये देखो 500 लिख दिया यहाँ और 1.10 वाली रेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 आ जाएगा और इशू के कॉलम में कुछ नहीं आएगा। अब ये रिसिप्ट है तो क्या होगा, ऐड होगा, तो 400 में ऐड कर देंगे 500 में 500 ऐड कर देंगे तो 900 आ जाएगा। 376.40 में ऐड कर देंगे 550 तो क्या आ जाएगा, 926.40 आ जाएगा। अब लास्ट 25 मई 2019 को क्या है, 380 का इशू किया है। अब यहाँ इशू किया है तो थ्री इशू के कॉलम में 380 लिख देंगे और रेट कौन सी लगेगी, हाँ 1.11 वाली। 380 पे 1.11 वाली, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 421.80 आ जाएगा। अब 900 में से 380 अपन ने इशू कर दिया, मतलब 900 का मटेरियल था गोदाउन में, 380 का अपन ने इशू कर दिया। अब कितना बचा, 520 बचा, लेस कर दिया ना, 926.40 में से लेस कर देंगे 421.80 तो क्या आ जाएगा 504.60। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आप लाइव आके आपको मैं अच्छी से समझा दूंगी, आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना। बाय, थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए।